ये तो गजब ही हो गया दोस्तों। टीना और शालिन एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा पर्सनल चले गए हैं कि क्या बताओ। टीना ने शालिन की पोल पट्टी खोल दी है, शालिन ने टीना की पोल पट्टी खोल दी है। दोनों कॉन्वर्सेशन के दौरान इतने ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे पे हाथ उठाने वाले हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, RHULBHOJ, मिलिए मुझसे, वहां पर ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो भाई यहाँ पर अब टिकट टू फिनाले टास्क चल रहा है और ये झगड़ा उसके बाद का है। बिग बॉस ने बड़ा ही बड़ा चढ़ा के दिखाया है, प्रोमो ऐसा चमका दिया है कि हमें टीना और शालिन ही नजर आ रहे हैं और बाकी के घर वाले एकदम से वैनिश्ड नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रियंका चाहर चौधरी ये बात बोलती है कि भाई जब बारी आई थी निमृत को कैप्टेंसी से निकालने की तो तुमने प्लानिंग करी थी हमारे साथ, हम लोगों ने मिलकर ये बात बोली थी, तुमने तो ये तक बोल दिया था कि हम जो है ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे सो जाएंगे रूल्स तोड़ेंगे, तुमने ये बात बोली थी। और आज जब बारी आई है तो तुम निमृत को निकालने के बजाय उसको सपोर्ट कर रहे हो, ये किस तरीके का दोगलापन है शालिन भानोट? शालिन दोगला है, ये बात प्रियंका ने बोली है कई बार, टीना ने बोली है कई बार, इनफैक्ट मंडली ने बोली है कई बार, और बिग बॉस तो बोलते रहते हैं, उसके टांग खिंचाई करते रहते हैं। तो अब यहाँ पर इस वजह से जो है शालिन बहुत भड़क जाता है, टीना भी इस पे कूद पड़ती है, टीना भी बोलने लग जाती है ये वो शालिन भानोट यू आर दिस यू आर दैट ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। और इसी दौरान शालिन भानोट एक बहुत गंदी बात बोलता है कि तेरा तो ये काम ही है एक लड़के से सारा हिसाब किताब खत्म, तो दूसरे पर चिपकती है तू, ठीक है? ओ माई गॉड। इस पर दोस्तों टीना इतना गुस्सा कर देती है, इतना बवाल कर देती है कि क्या बताओ। टीना जो है दोस्तों उसके लिए फिर उसके बाद बोलती है अरे जा तेरी बीवी खुद तेरे को जो है ये करती है वो करती है करके इस तरीके से बीवी वाला मैटर यहाँ पे उठ जाता है। सो देखा जाए दोस्तों तो दोनों ही गलत गए, दोनों ही पर्सनल गए, लेकिन कौन पहले गलत गया कौन ज़्यादा गलत गया ये मैटर करता है। और प्लस शालिन जो है उसको भी डांट पिटेगी, टीना को भी पिटेगी, ऐसा लग रहा है वीकेंड के बाद पे सलमान साहब कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या है क्या ना कॉमेंट करके जरूर बताएं, चलता हूँ मैं, बताएं।